प्यारे सहभागियों, आज की नई उमंग, नए जोश और नए जीवन की शुरुआत के साथ हम अपनी क्लास एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्रस्तुत टॉपिक आज का अपना एक नया टॉपिक है जो भक्ति काल के प्रमुख कवि रहीमदास से संबंधित है। पूर्व में हमने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन वर्तमान में मैं दोबारा रिपीट करके इसके बारे में हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले रहीमदास। रहीमदास भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य द्वारा, भक्ति काल को भी दो भागों में बांटा गया था, सगुण और निर्गुण। तो ये सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि थे। कृष्ण से संबंधित इन्होंने बहुत सारे पद लिखे, बहुत सारे कवित्व लिखे और उन पदों में कृष्ण का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। हम सबसे पहले रहीम के बारे में जानते हैं, उसके बाद हमारे जो पाठ्य पुस्तक में जो संकलित है पर उनके बारे में विचार करें। सबसे पहले रहीमदास जी का जन्म 1610 में हुआ था, उनकी 1683 के आसपास। इनका जो नाम था वो अब्दुल रहीम खान खाना था। पूरा नाम जो इनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जो मुगल काल के बादशाह अकबर के काल में थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। मुगल बादशाह के दरबार में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी रचनाओं का लेखन कार्य किया, बहुत सारी रचनाओं को लिखा। शुरू से ही राज दरबारी कवि होने के साथ साथ इन्हें हर विषय का बहुत ज्यादा ज्ञान था। इन्होंने श्रृंगार नीति और भक्ति से संबंधित काव्य लिखे हैं। श्रृंगार के बारे में भी, नीति से संबंधित और भक्ति से संबंधित सभी प्रकार के अपने दोहे या पद लिखे हैं। कहने का मतलब यह है इनका विषय वो श्रृंगार भी था, भक्ति भी था और नीति भी था। क्योंकि जब कोई कवि राजदरबारी होता है, राजदरबारी कवि होता है, तो वो कवि हर विषयों को अपने आंखों के सामने प्रकट होते हुए देखता है और वह उन्हीं विषयों के ऊपर लिखता है। तो मुगल बादशाह अकबर के काल में थे, एक राजदरबारी कवि थे। तो राजदरबारी कवि होने के साथ साथ इन्होंने भक्ति से संबंधित बातें भी कही, श्रृंगार से संबंधित बातें भी कही और नीति से संबंधित बातें भी कही। दूसरी बात, इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं रहीमदास जी की, वो रचनाएं रहीम दोगावली, नायिका वेद,
मदनाष्टक राग पंचाध्यायी और नगर शोभा, इन सभी रचनाओं में इन्होंने अपने पदों को संकलित किया। ये जो कवि थे रही, इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। रहीमदास जी स्वभाव से दानवी और कविता प्रेमी भी थे, समय अनुसार दान भी करते थे और कविता भी या कविता का पाठ भी करते। रहीमदास जी के बारे में कहा जाता है कि निर्वासन के समय ये तुलसीदास के भी समीप रहे, क्योंकि ये तुलसीदास जी की बहुत प्रिय थे, गोस्वामी तुलसीदास। इनकी भाषा वो ब्रज और अवधि दोनों पर इनकी बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ है। दोनों भाषाओं में इन्होंने बहुत कुछ पदों का लेखन कार्य किया है। कहा जाता है कि रहीम का सांसारिक जो ज्ञान था वो बहुत ज्यादा बहुत विपुल था। वो क्या था? बहुत ही ज्यादा बहुत ब्रॉड था, जिसको कहें प्रखंड थे। सांसारिक जो अनुभव थे, सांसारिक जो ज्ञान था, क्योंकि एक राज दरबारी कवि जो होता है वो एक स्थान पर नहीं रहता, वो राजा महाराजों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जंगलों में भी जाता है, दूसरे राज्यों में से जब राजा संधि करने जाता है तो उनके साथ भी जाता है। तो ये उनको सांसारिक जो ज्ञान था वो बहुत ज्यादा था और रहीमदास जी ने श्रृंगार के पदों के अंदर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। श्रृंगार से संबंधित जो रचनाएं लिखी उसमें मुख्यतः कृष्ण के बाल रूप के सौंदर्य का इन्होंने वर्णन किया। उनके कृष्ण की हवा का, कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रमुख रूप से अपने काव्य के अंदर बहुत ही सुंदर और मनमोहक वर्णन किया है। इसलिए हमें यहां पर लिखा भी है कि नहीं मुसलमान होते भी सही के मन में कृष्ण के प्रति अघात प्रेम था, बहुत गहरा लगाव था, बहुत गहरा प्रेम था। कृष्ण को अपना सब कुछ मानते थे, कृष्ण के प्रति बहुत ही अच्छी सहानुभूति कहते हैं या अपना विश्वास कहते हैं, बहुत था प्रेम था उनके। और इसी कारण उन्होंने अपने पदों के अंदर कष्ट का बहुत ही मनमोहक सुंदर चित्रण किया है। अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दो प्रकार के पद लिए गए हैं, जिसमें प्रथम प्रकार के
पदों के अंदर कृष्ण के सौंदर्य का और दूसरा नीति से संबंधित दोहों का संकलन किया है। तो प्रथम पद है वो कृष्ण के सौंदर्य से संबंधित है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है, और दूसरा इसका जो भाग दिया हुआ है रहीमदास जी का वो नीति से संबंधित बातें उसमें बताई गई है। जैसे एक दुआ है, बिगरी बात बने नहीं लाख करो कि निकोय रहीमन फाटे दूध को मथे ना माथे। तो ये नीति संबंधित बातें हैं, इंगित किया है, लोगों को सावचेत किया है। क्या कहा है? बिगड़ी बात बने नहीं, अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो वापस वो कभी सही बात नहीं बन पाए। जब एक बार बात बिगड़ जाती है तो हम कितनी ही लाख कोशिश कर लें वो बात नहीं सुधरती। अपन कई बार कहते हैं ना, बात बिगड़ गई है, उससे ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। वैसे तो बिगड़ी बात बने नहीं, चाहे कितनी लाख कोशिशें कर लो, लाख करो कि निकोय, कितनी लाख कोशिशें कर लो वो बात नहीं सुधरती। जिस प्रकार से रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन को, फटे हुए दूध को आप कितना ही मथ लो, कितनी ही कोशिश कर लो वो माखन नहीं बनता। उसी प्रकार जब बात एक बार बिगड़ जाती है तो वापस वो समझती नहीं। तो ये ऐसे जो दोहे हैं वो रहीमदास जी के नीति से संबंधित दोहे हैं। मुझे प्रथम जो पद है रहीमदतावली में, जिसमें छवि भावन मोहन लाल की, काछनी काछे कलित मुरली कर पीत पिछोरी साल की, ये यहां से लेकर यह स्वरूप निर्थे सोई जाने इस रहीम के हाल की, इन पदों के अंदर रहीमदास जी ने कृष्ण के सौंदर्य रूप का वर्णन किया है, उनके पूरी शारीरिक चेष्टाओं, शारीरिक क्रियाओं, आंखों की भाव भंगिमाएं और मनोवैज्ञानिक तरीके से कृष्ण का बहुत ही मनोहारी सुंदर दृश्य चित्र अपने काव्य पद के अंदर घेरा है, जिसमें उनके सिर पर जो मुकुट है, उनके ललाट पर जो तिलक लगा हुआ है, होठों की जो लालिमा है, गले में पुष्पों का हार है, छाती के ऊपर जो पीले वस्त्र का वस्त्र धारण किया हुआ है, कमर में कटिबंध पहनी हुई है, पांव में जो घुंघरू के समान पायल जैसी पहनी हुई है, तो सभी का बहुत मनोहारी सुंदर दृश्य किया है। क्योंकि रहीमदास कृष्ण के प्रति अपना सखा भाव भी रखते हैं, उनको सखा मानते हैं रहीमदास जी कृष्ण को, उसी प्रकार उनकी उपासना की है, उनकी भक्ति की है। दूसरे प्रकार के दोहों में हमने पढ़ लिया था कि दूसरे प्रकार के जो दोहे हैं उसमें रहीमदास जी के नीति से संबंधित बातें बतलाई गई है, जिससे जीवन की सांसारिक व्याख्या की गई कि हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घट सकती है, या ये ऐसी बातें जीवन में कहीं ना कहीं
हमारे साथ घटित होती है या वो बातें हमारे सामने कई बार ऐसी प्रतीत प्रकट होती है, प्रकट होती हुई प्रतीत होती है। जैसे कवि यहां पर कह रहा है रहीम कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान रहमत दाबे ना दबे जानत सकल जहां। देखो कितनी अच्छी बात कही है रहीमदास जी ने कहा है खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहां। रहीमदास जी कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा खून खांसी खुशी हर्ष बैर दुश्मनी प्रीति प्रेम मदपान शराब आप उनको कितना ही दबा लीजिए कितना ही रोक लीजिए रहमन दाबे ना दबे जग जानत सकल जहां। ये सारा संसार जानता है कि हम इनको कितना ही दबा लें कितना ही छुपा लें ये कभी छुपते नहीं है ये कभी दबते नहीं है ये कैसे ही ने कैसे करके दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हो ही जाते हैं। प्रतिभा है तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं है व्यक्ति अपनी प्रतिभा के द्वारा ही सफल होता है और वो प्रतिभा निखर के सामने आ ही जाती है। खून मान लो शरीर पर कहीं चोट लग गई है तो खून रुकने से नहीं रुकेगा वो सामने आएगा। खांसी अगर मनुष्य किसी को खांसी हो गई है तो खांसी रुकती है क्या नहीं रुकती वो आएगी। खुशी जब हमें उल्लास होता है खुशी होती है तो हम उसको उसको कितना ही दबा लें हमारे चेहरे पर उसके हाव भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बैर दुश्मनी दुश्मनी को हम कितना ही छुपा लें उसके भाव भी हमारे चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई। प्रीति प्रेम जो है प्यार जो है लगाव जो है उसको हम कितना ही छुपा लें वो कहीं ना कहीं उजागर हो जाए। मदपान शराब व्यक्ति कितनी ही पी ले लेकिन उसकी दुर्गंध को वो छुपा नहीं सकता कितना ही कुछ प्रयास कर ले उसको छुपाने के लिए लेकिन उसकी दुर्गंध कहीं छुपती नहीं। तो कवि ने ये ऐसे नीति संबंधी दोहे बतलाए हैं। अब हम इस बात का एक क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके परीक्षा में आने लायक है तो आप नोट करें क्वेश्चन लिखें। प्रश्न लिखें प्रश्न है श्रृंगार कौमा भक्ति कौमा नीति के कवि रहीम के काव्य की विवेचना कीजिए। लिख लिया या अथवा करके एक प्रश्न लिखे रहीम के काव्य के आधार पर उसकी विशेषताओं को बताइए। तो इसमें लिखें आप उत्तर सबसे पहले
लिखें, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। वे अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। वे अकबर के अभिभावक, वे अकबर के अभिभावक बैरम खान खान खाना के पुत्र थे। अकबर के अभिभावक बैरम खान या बैराम खान, एक बात है, खान खाना के पुत्र थे। इनका जन्म आपके सामने लिखा हुआ है 1610 और मृत्यु 1683 में हुई थी। रहीम का काव्य भक्ति, नीति, श्रृंगार के भावों से समन्वित है। इनका ब्रज तथा अवधि भाषा पर समान अधिकार है। इनके दोहों में नीति, ज्ञान, कौमा श्रृंगार और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य हुआ है। इसी सामंजस्य गुण के कारण वे गहराई से प्रभावित करते हैं, लिख लिया। अब सबसे पहले पॉइंट डाले हैं और उस पॉइंट के आगे लिखे जीवन और जगत के कवि, जीवन और जगत के कवि। इस पे लिखे योजक चिन्ह लगा करके, रहीम सही अर्थों में जीवन और जगत के कवि थे। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि रहीम को सांसारिक ज्ञान बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये एक राजदरबारी कवि थे। तो राजदरबारी कवि थे तो इनका आना जाना, उठना बैठना जो भी है वो एक स्थान पर नहीं था, अलग अलग भारत के या किसी के भारत के अलग अलग राज्यों में रह करके इन्होंने अपनी काव्य रचना की। अलग अलग राजा महाराजों के काल में रहे, तो उन सभी का ज्ञान और वो सारी घटनाएं, उन सभी का ज्ञान जो है वो स्पष्ट रूप से इनकी काव्य रचना में दिखलाई देता है। जीवन आगे लिखे जीवन और जगत के कवि होने के कारण रहीम की रचनाओं में न तो कल्पना की उड़ान मिलती है और न भावों का अंतर्द्वंद ही मिलता है और न भावों का अंतर्द्वंद ही मिलता है। सीधे साधे शब्दों में उनके जीवनोपयोगी विचार, ही उनकी रचनाओं में पर्याप्त दिखाई देते हैं, नेक्स्ट लिखें
भक्ति और आस्था, भक्ति और आस्था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखे रहीम भक्त थे, उनकी भक्ति कृष्ण और राम के प्रति थी, उनका धर्म मानव धर्म की रक्षा करना था, उनका धर्म मानव धर्म की रक्षा करना था। वे स्वयं भी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे और सारे जगत को भी भक्ति का संदेश देते थे। अपने पूर्व में पढ़ा, देखो कृष्ण के बारे में पढ़ा, उसके बाद में एक चीज अपने यहाँ पर ये भी पढ़ी कि रहीमदास है वो कृष्ण और राम के भक्त थे। तो राम के भक्त कैसे हुए? कृष्ण की तो इन्होंने भक्ति की, लेकिन निर्वासन के समय मैंने आपको पहले पूर्व बात बताई थी, जब ये तुलसीदास के पास समीप गए, संत कवि तुलसीदास के समीप गए, तो वहां से उन्होंने राम भक्ति की भी शुरुआत भक्ति में की। आगे लिखे रहीम ईश्वर की कृपा से राम रहीम ईश्वर की कृपा सॉरी यहां दोबारा लिखे रहीम ईश्वर की कृपा और करुणा सिंधा को बड़ा महत्व देते थे। उनके विचार से राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं था। पाठ्यक्रम में संकलित दोनों पदों में रहीम ने कृष्ण के सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखे नीति परकता, नीति परकता। इसमें लिखे रहीम की नीति परकता जगत प्रसिद्ध थी। अपने नीति पर दोहों में वे एक उपदेश के रूप में सामने आते हैं, सामने आते हैं। उन्होंने जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में पढ़कर संसार का जितना अनुभव प्राप्त किया था उसी के आधार पर उन्होंने अपने नीति का स्वरूप दिया। रहीम के दोहों में लिखे रहीम के दोहों में ज्ञान की अनगिनत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने
कहीं संगति कौमा कहीं विपत्ति और कहीं दैनीय व्यवहार को देखकर अपने काव्य में उनकी अभिव्यंजना की है। साथ ही उन्होंने अपने काव्य में प्रेम की स्वतंत्रता कौमा पवित्रता कौमा निष्कपटता कौमा प्रतिष्ठा की सुरक्षा आदि पर भी विचार किया है। निष्कर्ष रूप में लिखिए अंत में नए पेन से हेडिंग डाले निष्कर्ष। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि रहीम का काव्य ज्ञान नीति और भक्ति का सम्मिलित स्वर प्रकट करता है। रहीम ने जीवन को गहराई से सूक्ष्मता से देखा था। इस प्रकार रहीम अपने काव्य की अनेक विशिष्टताओं के कारण हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन जिसमें रहीम के बारे में रहीम के काव्य की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। पूर्व में भी पढ़ा था कि रहीम का जो काव्य है श्रृंगार भक्ति और नीति का त्रिवेणी संगम है, तीनों भाव उसमें सम्मिलित है। और इनके भाव में कल्पना की उड़ान नहीं है, वास्तविकता है। तो रहीम के प्रस्तुत जो पद है जो हमने प्रश्न किया है मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। जब आप वापस इसको दोबारा रिपीट करोगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे निसंकोच रूप से कमेंट्स करें ताकि आपकी जो शंका है जो दिमाग में प्रश्न चिन्ह है उसको हम दूर करें और आपकी समस्याओं को हम हल कर सकें। तो इसलिए जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई शब्द है या किसी शब्द की व्याख्या है तो आप तुरंत रूप से उसको कमेंट्स करें ताकि मैं आपकी समस्याओं को हल कर सकूं। इसी आशा के साथ आज के हम क्लास यहीं खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले एक ही बात कहूँगा, मुझे आशा ये नहीं और कोई विश्वास है कि आप घर पर स्वस्थ हैं, सुरक्षित है, आपका समाज सुरक्षित है। आप अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नई उम्र के साथ, एक नए सवेरे के साथ। तब तक के लिए।